नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचबीएन न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें नॉनस्टॉप। ब्राजील में कोरोना के एक दिन में आए रिकॉर्ड 29,000 केस, अब तक 31,000 की मौत। अमेरिका में अश्वेत की मौत पर बोले सत्य नडेला, नस्लवाद के लिए जगह नहीं। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 3,80,180 लोगों की मौत। पेरिस पुलिस ने नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी। अमेरिका में अश्वेत शख्स की मौत मामले में मिनियापोलिस पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज। गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त। बार्सिलोना के बाद यूक्रेन के एक क्लब में 25 फुटबॉलर और स्टाफ कोरोना से संक्रमित, पूरी टीम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज का शेड्यूल जारी, पहला मैच 8 जुलाई को। फीफा ने कहा जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से सहानुभूति, लेकिन फुटबॉलर खेल की मर्यादा को ध्यान में रखें और मैच में विरोध न जताएं। स्मिथ ने कहा टीम इंडिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में हमें फायदा होगा, लेकिन कोहली एंड टीम के सामने जीत पाना मुश्किल।